हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और ये है मिस्टर ओरियो और ये मिस्टर कोको। तो आप लोगों ने इनसे तो मिल ही लिया। आगे मैं दिखाता हूँ एक चीज़। रुकी दो मिनट, आप लोग देख सकते थे इसको। तो मैंने पीला बल्ब ऊपर में लगाया है जो बजीज के लिए, बट ये यहाँ पर आ गया है गर्मी का एहसास लेने, ठंड में गर्मी का एहसास लेने। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, फाइट हो रहा है। क्योंकि फाइट इसलिए हो रहा है, एलेक्स चढ़ जा रहा है केज के ऊपर और जाली के ऊपर जो इसका नाखून सब है, सिजुका मतलब सिजुका इसको बाइट कर दे रही है। तो अभी एलेक्स नीचे उतर के यहाँ से लड़ने आया है सिजुका से, तो अभी वो लड़ाई हो ही रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ कि इनका जो मस्तियाँ है, कैसे कैसे इन लोग का ऐसे ही लड़ते लड़ते पूरा दिन पार हो जाता है। और इन लोग का हमेशा फाइट होते रहता है, कभी निक के साथ तो कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, ऐसे ही दिन भर चलते रहता है। सो गाइज, अभी हम लोग चलते हैं छत पे और आप लोगों को छत पे मुझे कुछ दिखाना है और कुछ मुझे बताना भी है। और आप लोग प्लीज़ एंड तक वीडियो पे बने रहे। और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे मैं से वीडियो पोस्ट करता रहूँ और आप सभी के पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, मैंने बोला जैसे कि। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, ताकि आगे भी पेरेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। एंड वीडियो के लास्ट में कमेंट भी कर दे कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी गाइस। तो चलिए हम लोग चलते हैं और एलेक्स अभी भी फाइट इसका चलते हैं और अभी भी ये लड़ते रहेगा। जब तक यहाँ रहेगा तब तक ये लड़ते रहेगा, इसका लड़ाई बंद ही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर इसका दुश्मनी जो पंगा पड़ चुका है, और जब एक बार जंग छिड़ जाता है तो इन लोग का ऐसे ही होता है। तो और अभी जब भी यहाँ पर चढ़ेगा ऊपर केज में, तो फिर सिजुका इसको बाइट करेगी और फिर ये इसे देख सकते हैं। अभी वहाँ पर वो भी छोटी मोटी बट लड़ने के लिए आ जाती है। चलिए छत पे हम लोग चलते हैं। सो गाइज, यहाँ हम छत पे आ चुके हैं और ये है एलेक्स और मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। हाय रम, यहाँ तो मैंने कुछ लगाया था, यहाँ कहाँ चला गया? ओ, यहाँ पर पक्का टॉम और ओयो आए होंगे। तो दिखाता हूँ पहले क्या क्या बर्बादी किए हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने अभी खुराफात किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट लगाए थे, यहाँ पर का गायब हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर ये है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसको और पानी दे देता हूँ, यदि बचने का रहेगा तो बच जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और ये देख सकते हैं एलेक्स। और अदरक का भी मैंने प्लांट लगाया, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरा अदरक का प्लांट, तो यहाँ से भी इसको गंजा कर दिया। और जेड प्लांट भी मैंने लगाया, तो जेड प्लांट का भी ख़त्म हो चुका है। और चलिए तो हम लोग चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ का भी प्लांट का सफाया हो चुका है। इन दोनों को मैं खोल के क्या रखता हूँ, यही सब ये छत पर आके करते रहते हैं दोनों के दोनों। और ये दिन भर ऐसे खुले रहते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को दिख गया होगा। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने कुछ ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स जो है मैंने उगाए थे, तो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने बर्ड्स को ऑर्गेनिक फूड उगा के आप लोग यदि देते हो तो बहुत बेटर है। क्योंकि आप लोग जब ऑर्गेनिक फूड उगा के देते हो तब क्या होता है कि बहुत मतलब अच्छा सा फीलिंग आता है। जब हम अपने घर में कुछ उगा के अपने बर्ड्स को या पेट्स को खाने के लिए देते हैं, तो हमारे अंदर जो एक फीलिंग है बहुत मतलब बेटर होता है। आप लोग यदि उगा के देते हो तो आप लोगों को पता होगा। ये देख सकते हैं मेरा पाइनएप्पल का पेड़, जो इसमें अभी तो लगा नहीं, जब लगेगा तो मैं पक्का आप लोगों से शेयर करूँगा। और यहाँ पर भी एक मिर्च का प्लांट है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सो गाइस ये देख सकते हैं हमारा मिर्च का प्लांट, इसमें कुछ मिर्च भी लगे हैं और उस प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा काला काला मिर्च लगा है। और उसको हमने आज हार्वेस्ट भी किया और इन लोग को दिया भी था खाने के लिए। तो इन लोग खाए भी थे, एलेक्स और ओरियो खाया था, बाकी दोनों के दोनों नहीं खाए थे। और एलेक्स देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास। और यहाँ पर जो अमरूद का पेड़ है, इससे तो आप लोग पता ही होगा कि मुझे हर साल मिल ही जाता है, मतलब हर महीने मुझे मिल जाता है अमरूद का पेड़, तो मुझे अमरूद कभी भी खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। एंड आप लोग भी अपने घर में हो सके तो जितना हो सके उतना पौधा लगाएगा वेजिटेबल का, फ्रूट्स का। और आप भी अपने घर में उगा के अपने बर्ड्स के लिए उगाए एंड उन्हें भी खाने के लिए दे और आप भी खाएँ। क्योंकि आप ज़्यादा करके उगाते हो तो आप लोगों को अधिक मिलेगा, तो आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे नीचे वाले गार्डन में जो वेजिटेबल गार्डन है, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा पौधा लगाया। तो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊँगा आप लोगों को, दिखाऊँगा भी कि मैंने क्या क्या लगाए। तो कभी आएगा यदि वीडियो तो आप लोग देख लेना। मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहे तो आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अब हम चलते हैं, नीचे जाएंगे हम लोग थोड़ी देर में। और गाइस, जो मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दे कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और आप लोगों को ऐसी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में प्लीज़ मुझे बताएं। क्योंकि आप लोग बताओगे तो ही मैं जानूंगा, आप लोग नहीं बताओगे तो मैं नहीं जान सकता आपके मन में क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आप लोग अच्छा कमेंट करें, बुरा लगता है आप लोग बुरा कमेंट करें, बट आप लोग करें। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं एंड वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं गाइज। तो चलिए अभी नीचे, तो और हम लोग नीचे आ गए हैं गाइज। और ये रहा हमारा निक और लोला भी वहीं पर है, तो लोला को भी मैं दिखाई देता हूँ कि वो भी देख आप लोग से मिलने के लिए बहुत ज्यादा पागल हो गई है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये रही हमारी लोला और ये पागल हो गई है, बहुत ज्यादा बदमाशी करती। तुम क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये सब पागलपंती।
सो गाइज, आई होप से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो पे। टेक केयर गाइज, लव यू एंड बाय बाय।